गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में सोमवार को नए 235 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें पीएससी कैंप में 23, डाकघर, जिला अस्पताल, सीएमओ कार्यालय, खोराबार थाना, रेलवे अस्पताल, डीएफओ कार्यालय, इसके अलावा बीआरडी में भी कोरोना मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3879 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इनमें 69 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 1019 लोग डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं ज़िले में अभी भी 1835 कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है। 956 कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन वार्ड में हैं। सोमवार को 235 नए मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 134 जबकि 101 मरीज ग्रामीण क्षेत्र में शामिल हैं, जिसमें पीएससी कैंप, सीएमओ कार्यालय, जिला अस्पताल, रेलवे अस्पताल, डीएफओ कार्यालय, खोराबार थाना, झरना टोला, बशारतपुर, शाहपुर, बिलंदपुर, बिछिया, सहारा इस्टेट, तुर्कमानपुर, रेती चौक, हेड पोस्ट ऑफिस, बशारतपुर, जटेपुर रेलवे, राम जानकी नगर, कूड़ा घाट, विकास नगर, सिविल लाइन, शाहपुर कैंट, बसंतपुर, बनकटीचक, मोहद्दीपुर, घोष कंपनी, अशोकनगर, दाऊदपुर, जगन्नाथपुर, गोरखनाथ, रामदत्तपुर, सूरजकुंड, तारामंडल, सेंट्रल कॉलेज, जगदीशपुर, राप्ती नगर, राजेंद्र नगर, बिलंदपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, जिला अस्पताल, डीएफओ कार्यालय, 10 नंबर बोरिंग, शक्तिपुरम कार्यालय, नगर शिक्षा अधिकारी पुरदिलपुर कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस्माइलपुर, पोखरा टोला, माधोपुर, राजघाट, आज़ाद नगर, सुमेर सागर, इंद्राबाल बिहार, मिर्ज़ापुर, अंधियारी बाग, आरटीओ, अस्थाई जेल, गुलाटी अस्पताल, जेपी हॉस्पिटल, डेयरी कॉलोनी, स्पोर्ट्स कॉलेज, कलेक्ट्रेट परिसर, सहारा इस्टेट, गंगानगर, बशारतपुर पुलिस लाइन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बांसगांव में 1, खोराबार में 12, भटहट में 6, सहजनवा में 3, सरदारनगर में 1, कैंपियरगंज में 14, चरगावा में 12, गोला में 6, पिपराइच में 16, पिपरौली में 6, उरवा में 2 व 21 अन्य मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना जांच की जाएगी। इलाके को सील करने के साथ सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।